अभी आपका तीन तरह से आपका फोटो ऐड हो गया। अगर आपको मल्टीपल फोटो ऐड करना है तो आप जितने फोटो चाहिए वो कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, और ड्रैग करके, जैसे आप ड्रैग करोगे तो आपका मल्टीपल फोटो ड्रैग हो जाएगा। इस तरह आप अलग अलग तरीके से फोटो ड्रैग कर सकते हो। जैसे फोटो आपने ड्रैग किए आपको यूज के इंडिकेटर आएगा। अगर आपको कोई भी फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसा फोटो पे क्लिक करोगे वो ग्रीन कलर का इंडिकेटर आएगा और उसको आप डिलीट कर सकते हो। इस तरह आप जितने भी चाहिए उतने फोटो आप ऐड और डिलीट कर सकते हो पेज के ऊपर। अब आपको कोई भी फोटो को रिप्लेस करना है तो आप फोटो को क्लिक कीजिए। जैसा क्लिक करोगे तो आपको ग्रीन इंडिकेटर आएगा और अब आप जो भी फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप रिप्लेस कर सकते हो, या डबल क्लिक करोगे तो भी आपका फोटो रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपका फोटो हॉरिजॉन्टल है और आपने वर्टिकल फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपका फोटो ऑटोमेटिक कट जाएगा और आपको हैंड टूल से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको फोटो और एक नया ऐड करना है तो आपको बाहर यानी पेज पे क्लिक करोगे, जैसा क्लिक करोगे तो आपका ये डिसलेक्ट हो गया। अब आप डबल क्लिक करोगे तो आपका नया फोटो ऐड हो जाएगा। यानी आपको जब भी नया फोटो ऐड करना है तो आपको बाहर डिसलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है फोटो को तो आपका नया फोटो ऐड होगा। अगर आपका फोटो सिलेक्टेड है और आप डबल क्लिक करोगे तो वो फोटो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा।